टॉपिक में मैं बताऊंगा दृष्टियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले दृष्टियों के बारे में बताया था कि पिछली वीडियो में बात की थी कि दृष्टियाँ सारे ग्रहों की सातवीं होती है, लेकिन खाली तीन ग्रह ऐसे हैं, शनि मंगल गुरु, जिनको तीन दृष्टियाँ प्रदान की गई है, यानी त्रिव्य दृष्टि प्रदान की गई है। इन तीनों में सेवन 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 कॉमन तो है ही, लेकिन दो दो दृष्टियाँ ऐसी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। आपको ये चीज़ें नोट कर लेनी चाहिए। पहले मैं शनि पे आता हूँ। शनि अपने से तीसरे घर को देखता है, फिर दसवें घर को देखता है, फिर सातवें घर को देखता है। मंगल चौथे घर को देखता है, आठवें घर को देखता है और सातवें को देखता है। गुरु नौवें को देखता है, पंचमेश मतलब अपने घर से पाँचवें घर को देखता है और अपने घर से सातवें घर को देखता है। ये मैं हाउसेस के नाम नहीं बता रहा हूँ कि गुरु नाइन्थ हाउस को देखता रहेगा, गुरु फिफ्थ हाउस को देखता रहेगा, नहीं, ये बात नहीं है। गुरु अपने घर से नाइन्थ हाउस को देखेगा, अपने घर से फिफ्थ हाउस को देखेगा और अपने घर से सेवन्थ हाउस को देखेगा। ठीक है दोस्तों, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जिनके पास त्रिव्य दृष्टि है। क्योंकि क्या होता है ना, जो देखो क्या होता है ना, दृष्टि बहुत मायने रखती है। मंगल का भी देखिए, फॉर एग्जांपल, कोई जैसे फॉर एग्जांपल मंगल की दृष्टि लगन पे है, यानी फर्स्ट हाउस पे है, तो इंसान गुस्सा वाला होगा और हाई टेम्परमेंट का होगा, यानी जल्दी गुस्सा आ जाता होगा, गुस्सेला होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें नोट कर लेनी चाहिए। ये आज थी हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ पार्ट 5, जिसमें मैंने आपको बताया शनि मंगल गुरु के बारे में और बाकी ग्रहों के बारे में, जिनकी सारी सात दृष्टियाँ होती हैं। इन तीनों के अलावा जितने भी ग्रह हैं उनकी सेवन्थ दृष्टि होती है। इन तीनों को तीव्र दृष्टि प्रदान की गई है। ये थी हमारी छोटी वीडियो। मैं छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखें, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अच्छा है मैं छोटे छोटे स्टेप्स में आपको सिखाऊँ कि आज आपको ये सिखाया, कल आपको कुछ और नई चीज़ सिखाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए हमारे के चैनल को। तो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।